हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप स्टडी एम्फियोक्सिस आल्सो कॉल्ड एज ब्रैंकियोस्टोमा लास्ट लेक्चर में लेक्चर वन में हम सिफेलोकोडेट्स के कैरेक्टर्स कर चुके हैं और उसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर चुके हैं अब हम इसकी क्लासिफिकेशन दोबारा देख रहे हैं इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया फाइलम कोडेटा सब फाइलम सिफेलोकोडेट क्लास लेप्टोकोडाई फैमिली इज ब्रैंकियोस्टोमिडी एंड इस फैमिली के ब्रैंक्योस्टोमिडी फैमिली के दो जीनस होते हैं और है, इनके कैरेक्टर जानने के लिए आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं एम्फियोक्सस जीनस से इस वर्ड को हम दो में स्प्लिट करते हैं एम्फी एंड ऑक्सस एम्फी का मतलब होता है टू एंड का मतलब होता है पॉइंटेड तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो एंड से पॉइंटेड रहेगा इसे हम ड्रॉ करते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है तो देखिए यहां से भी पॉइंटेड है यहां से भी पॉइंटेड है इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फी अदर देन दैट इसका कॉमन नेम है लेंसलेट या लेंसेट लेंसेट का मतलब होता है चाकू तो अगर इसको हम देखें सुपरफिशियली तो ये चाकू जैसा दिखता है इसलिए हम इसको लेंसट कह देंगे देन हैबिटेट मरीन वाटर ड्वेलिंग है शैलो वाटर ड्वेलिंग है शैलो मतलब पानी में ऊपर ऊपर स्विम करता है ये ज्यादा डीपली स्विम नहीं करता एंड फसोरियल है मतलब बरो बना के रहता है। तो अब देखिए जो भी वाटर बॉडी है इसे मैं ड्रा करती हूं मान लेते हैं ये वाटर बॉडी है इस वाटर बॉडी में नीचे कुछ सैंड सैंड वाला एरिया होगा। अब इस सैंड में ये बरो बनाएगा यहां पर इसने बरो बना दी इस बरो में जब ये रहेगा रहना स्टार्ट करेगा तो इसका जो एंटीरियर एंड होगा मतलब माउथ वाला हिस्सा होगा जस्ट अ मिनट ये, इस बरो के अंदर जो माउथ वाला हिस्सा होगा एम्फियोक्सस का वो यहाँ आएगा और पोस्टीरियर एंड यहाँ आएगा मतलब ये अपना मुंह सैंड में ऊपर ऊपर रखता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सके और ये अपनी बरो को रात को छोड़ के निकलता है रात को मतलब ये स्विमिंग करता है वाटर में और दिन के टाइम में ये बरो में आके रहना स्टार्ट करता है देन मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल फीचर्स तो देखिए इसकी जो शेप होती है दैट इज स्पिंडल एंड पॉइंटेड होता है लाइक अ लेंस साइज अप्रोक्सीमेटली फाइव सेंटीमीटर होगा कलर इज ट्रांसपेरेंट या व्हाइटिश देन बॉडी डिविजन इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है जो इंटीरियर हिस्सा है उसे हम बोलते हैं ट्रंक एंड पोस्टीरियर रीजन इज कोल्ड टेल देखिये जो इंटीरियर रीजन है मतलब वो रीजन जिसमें जहां पे माउथ होगा पोस्टीरियर रीजन जहां पे एनस होगी इसके अलावा एक वर्ड यूज करते हैं डोरसल और दूसरा होता है वेंट्रल तो डोरसल रीजन वो होता है जो कि एयर को फेस करता है और वेंट्रल रीजन वो होता है जो कि अर्थ को फेस करता है या बॉटम को फेस करता है ये वर्ड्स आपको आगे सुनने को मिलेंगे अभी आपको ये याद रखना है कि जो एंटीरियर रीजन होता है दैट इज ट्रंक एंड पोस्टीरियर रीजन इज टेल देन हम देख रहे हैं अपर्चर्स इसकी बॉडी पे तीन तरह के अपर्चर्स होते हैं ये है इसका स्ट्रक्चर अपर्चर्स मतलब होल्स तो देखिए ये यहां से स्टार्ट होता है यहां पर इसका माउथ होगा इस रीजन में ये जो सारा रीजन है दिस इज कॉल्ड एज रीजन एंड ये पिछला रीजन है टेल रीजन तो अब देखिए यहां पर इस एक ओपनिंग प्रेजेंट है इस रीजन में दिस इज कॉल्ड एज माउथ इसके अलावा जो टेल रीजन है यहां दूसरी ओपनिंग है दिस इज एनस जो माउथ है वो इंजेक्शन का काम करता है और एनस एक्सक्रीशन का काम करती है इन दोनों ओपनिंग के अलावा इसमें एक और ओपनिंग प्रेजेंट होती है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज एट्रियोपोर देखिए एट्रियो मतलब एट्रियम से आया पोर मतलब ओपनिंग हो गई तो ये जो इसकी बॉडी होती है इसकी बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एट्रियम इस एट्रियम की ओपनिंग को बोल दिया जाता है एट्रियोपोर सो so ये थे इसके तीन अपरचर फर्स्ट वन इज माउथ सेकेंड वन इज एट्रियोपोर एंड थर्ड वन इज एनस देन हम देख रहे हैं इसके अपेंडिजिस इसकी बॉडी पे लिम्स नहीं होते इसके पास लिम्स नहीं होते बट उसकी जगह फिन्स प्रेजेंट होते एंड तीन तरह के फिन्स होते हैं. तो इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं हम सबसे कॉमन फिन ये आप इसकी टेल पे देख रहे हैं इट इज कोडल फिन टेल रीजन में जो फिन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज कोडल फिन तो एक हो गया कोडल फिन इसके अलावा वेंट्रल रीजन में ये है वेंट्रल रीजन जो बेस वाला रीजन है दैट इज वेंट्रल रीजन वेंट्रल रीजन में जो फिन होता है ये आप देख सकते हैं दिस फिन इज कॉल्ड एज वेंट्रल फिन एंड जो डोर्सल रीजन में फिन होता है ये सारा फिन दिस इज कोल्ड एज डोरसल्फिन अब ये जो फिन होते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पाइन जैसी स्केलेटन प्रेजेंट होती है जिन्हें बोला जाता है फिन रे बॉक्सिस जो डॉरसल्फिन को सपोर्ट कर रही है दैट इज कोल्ड एज डोरसल फिन रे बॉक्स वेंट्रल को सपोर्ट कर रही है उसे वेंट्रल फिन रे बॉक्स बोलेंगे सो ये हो गए इसकी अपेंडिजिस तीन मीडियन अपेंडिजिस बोला गया है इसको क्योंकि मीडियन रीजन में प्रेजेंट है एक डोर्सल है एक वेंट्रल है और एक कोर्डल फिन है पेयर्ड फिन नेक्स्ट हम कुछ टिश्यू के फोल्ड की बात करते हैं देखिए इसकी बॉडी में वेंट्रोलेट्रल साइड पे वेंट्रल रीजन मतलब नीचे वाला रीजन यही रीजन यहाँ पर और लेट्रल साइड ये कुछ टिश्यू से इकट्ठा हुआ होता है कुछ टिश्यूज से बाइंडेड होता है वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ बॉडी दैट फोल्ड ऑफ टिश्यू इज कोल्ड एज प्लूरल फोल्ड अब ये जो प्लूरल फोल्ड है मान के चलें कि ये लेटरल फोल्ड है ये वाला भी लेटरल है ये वेंट्रल फोल्ड है तो ये जो लेटरल फोल्ड्स हैं ये ओब्लिकली इंक्लाइंड होते हैं इन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड ने बाइंड करवा के रखा होता है दैट फोल्ड इज कोल्ड एज एपी प्लूर दिस इज कोल्ड एज मैटा प्लूर जो की ओब्लीकली और इन दोनों को जो कनेक्ट करके रखता है हॉरिजोटल टिश्यू फोल्ड दैट इज कोल्ड एज एपी प्लोर देन एथ पॉइंट इज मोटोम और मायोमियर्स अब देखिये ये जो इसकी बॉडी है इसपे आपको वी शेप के ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दिस इज बेसिकली इट्स मस्क्यूलेचर वी शेप के मसल्स बैंड है इन्हें बोला जाता है मायोटोम्स और मायोमियर्स ये मायोमेयर्स कुछ टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर ये कुछ टिश्यूज से कनेक्टेड होते हैं उस टिश्यू को बोला जाता है माइकोमेटा। माइकोम अभी आप माओटॉम्स जो देख रहे हैं इनके नीचे ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ गुनाड्स प्रेजेंट है इसकी पोजीशन हम बोल सकते हैं बिलो मायोटोम्स एंड ये माउथ से लेके एट्रियोपोर वाले रीजन तक प्रेजेंट होते हैं। अब ये डायग्राम हमने जो देखा दिस इज लेटरल तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा एंड दिस वन इज वेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेंक्योस्टोमा अगर हम इसे बॉटम से देखेंगे अर्थ वाली साइड से देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखेगा ये सारा हो गया एंटीरियर रीजन यानी कि ट्रंक रीजन एंड ये हो गया टेल रीजन That's all for morphological features of Amphioxus. Thank you so much for watching this video.